अब समराइज करते हैं कि कल के भास्कर ने क्या क्या गलत किया। विजय को अभी भी नहीं पता कि नए आउटलेट कैसे खुलते हैं। कल के भास्कर ने फीडबैक केवल रिजल्ट पर ही दिया कि कॉल में कितना ऑर्डर मिला। उसने उसे कुछ भी नहीं सिखाया। कल के भास्कर ने विजय को मार्केट में बीच में ही छोड़ दिया और ये उससे शुरू में नहीं डिस्कस किया था। विजय भी एकदम शॉक्ड थे कि कल के भास्कर वापस जा रहे हैं। कल के भास्कर ने EDPF मॉडल फॉलो ही नहीं किया और इसीलिए विजय की योग्यता पूरी कॉल के बाद भी बढ़ी नहीं है। विजय की मोटिवेशन भी पहले से कम लग रही है। सुबह डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट पर उनकी मुस्कुराहट दिख रही थी, पर इस कॉल के बाद अब वो कंफ्यूज्ड हैं और उनके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट ही नहीं है। अब जब आपने समझ लिया है कि फीडबैक में कल के भास्कर ने क्या क्या गलत किया, आइए अब अपने ट्रेनर की मदद से समझें फीडबैक का सही तरीका।